अस्सलामु अलैकुम फिटनेस फैक्ट्स के तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से खुशामदीद। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही कमाल का नुस्खा मैं आप अहबाब की खिदमत में लेके आया हूँ। दोस्तों आज मैं आपको मर्दाना कमजोरी का एक ऐसा नुस्खा फराम करने वाला हूँ जिसको ना ही कभी आपने सुना होगा और ना ही किसी दोस्त अहबाब ने आपको बताया। सबसे पहले दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे फिटनेस फैक्ट्स के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आप तक पहुँच सके और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। दोस्तों आज हम आपके साथ मर्दाना कमजोरी दूर करने का एक पावरफुल नुस्खा लेके आए। दोस्तों मर्दाना कमजोरी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर खत्म करती जाती है। अगर इस नुस्खे के अमल से इंशाल्लाह मर्दाना कमजोरी जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब नुस्खा आप अहबाब के हवाले करने लगा हूँ। दोस्तों स्पंज की कमी, सरत इंजाल, जरियान इख्तलाम, मनी की कमी, दोस्तों इन बीमारियों को ख़त्म करने के लिए आज मैं आप अहबाब के सामने एक नुस्खा शाही लेके आया हूँ। दोस्तों हकीम लुकमान का अजमूदा नुस्खा है, लाजवाब नुस्खा है जो आपको एक खुशहाल अजवाजी ज़िंदगी गुजारने में मदद कर। दोस्तों आइए चलते हैं नुस्खे की तरफ। चलती चलती नुस्खा मैं आप अहबाब के हवाले करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपने मुसली सफ़ेद लेनी है दोस्तों 10 ग्राम, 10 ग्राम दोस्तों तुख्मे रेहान लेनी है, दोस्तों बादाम लेने हैं खुशक 10 ग्राम, छोटी इलायची लेनी है दोस्तों 10 ग्राम, गंदना गोरी दोस्तों लेनी है 10। दोस्तों तुख्मे रेहान को छोड़कर तमाम चीज़ों को पीस लें, अच्छी तरह सफोह बना लें। एक चम्मच रोज़ाना 1.5 पाव दूध के साथ चूल्हे पर पकाएं, 15 से 20 मिनट गाढ़ा होने दें दोस्तों, फिर फ्रिज में रख दें। सुबह निहार में इस्तेमाल करें। आज कल रमज़ान है, सहरी करने से पहले खा लें, आम दिनों में नाश्ता करने से पहले 15 से 20 मिनट पहले खाएं। दोस्तों बहुत ही लाजवाब और कमाल का नुस्खा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। कल एक और वीडियो के साथ आप अहबाब की खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।